हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है, आपकी माँ से भी ठीक ठाक है। तो जी, आज है संडे का दिन और संडे को आज हम चर्च नहीं जा सके क्योंकि रात को मेरे भतीजे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसकी पहले तबीयत तो काफ़ी संभल चुकी थी लेकिन फिर रात को उसको ड्रिप लगी, तो इस वजह से उसकी तबीयत काफ़ी हो गई ख़राब। तो वो सारी रात नहीं सोया और हम लोग भी बड़ी परेशान रहे। तो वो देखे जी अभी भी लेटा हुआ है और उसके आए हैं मामू, उसको जी उसके मामू आए हैं उसको लेने के लिए। और अशरफ सो रहे हैं, नाइट करके आए हैं। और आज मैंने लगाई है संडे वाले दिन मशीन, क्योंकि मैंने लगानी थी कल लेकिन फिर कल मैं नहीं लगा सकी। तो जी अभी मैं आपको मिलवाती हूँ कि मामू से भी उसके, और मेरे वो भाई हैं तो लाहौर से आए पहली दफ़ा। तो ये मिले जी मेरे भाई से, मेरे मामू के बेटे हैं। तो भाई है का तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। ये देखिए जी मैंने खाना लगा दिया है, खाना बनाया मैंने आलू मटर गाजर और मेथी, तो रह गई है ऊपर। और आप अपनी दुआओं में इसे ज़रूर याद रखें। ये देखिए कि लोला अभी भी लगा हुआ है, तो तबीयत इसकी अभी तो कुछ बेहतर है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी। तो अभी मैं बुलाने लगी हूँ रैनू को। रैनू के पापा जब उठेंगे फिर खाने वो खा लेंगे। तो हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं और साथ में मैंने कपड़े धोए हैं, मैंने साथ में धो लिए कपड़े। तो मैंने बोला चलो आज मैं लगा देती हूँ मशीन, तो इस वजह से फिर आज मैंने लगा दी मशीन। और अभी मैंने खाना वाना बना के अभी मैं हुई हूँ फारिग। तो फिर मिलते हैं जी थोड़ी देर के बाद। तो ये मिले जी रैनू से, रैनू भी आ गई अब ऊपर से नीचे और अभी लेके आई है अपनी चीज़ें और ये खेल भी रही है साथ में। और अभी मैं कह रही हूँ कि अभी नहा लो और सुबह की अपनी तैयारी कर लो, हमारा लड़का हो गया है कुछ पहले से बेहतर। अभी तो शुक्र है बैठ रहा है। रात को इसने इतना परेशान किया, पूरी रात इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। और मिले जी रैनू के पापा से, हाँ इसका मामू नहीं, इसके नाना और मेरे मामू, क्योंकि जो मेरी भाभी है वो मेरे मामू की बेटी हैं, तो इस वजह से फिर हम आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो रैनू लेके आई है चीज़ें जी, सुबह इसका पेपर है तो आप अपनी दुआओं में भी इसको याद रखना कि ये अच्छे से पेपर दे। और ये देखें जी मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़ें कितने की हैं। आ गई ये 630 की चीज़ें हैं। ये शॉपर पकड़ो। हाँ जी जी अशरफ हैरान हो रहे हैं। नहीं जी ये देखें, ये एक पाउच लिया, कलर पेंसिल है और ये पॉइंटर है इसके, इसने पॉइंटर लिए, रिमूवर वाइटो और इंक, और ये शॉर्पनर लिया। तो रेज़र घर में पड़े हुए हैं तो इस वजह से रेज़र मैंने लेके नहीं दिया, इसको गत्ता भी इसका पड़ा हुआ है। रेज़र ये पेंसिल के ऊपर दिया है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी है जी। कहाँ गया मेरा है नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। तो ये देखें जी यूनिकॉर्न वाली, रैनू को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। तो कलर मैं कह रही थी डबल लेने के लिए लेकिन वो थोड़े महंगे आ रहे थे, लेकिन फिर इसलिए ये ले रही है। ये भी 200 के दिए हैं उसने। तो ये देखे चीज़ें काफ़ी महंगी आई हैं। और ये मुझे पाउच इसका बड़ा प्यारा लगा, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैंने इसको लेके देना, लेकिन अब बस एमरजेंसी में अब यही ले लिया। तो आज जी सुबह है पेपर। तो रैनू आप खुश हो? पेपर की तैयारी कैसी है? अच्छी। इधर मुंह देख के कर बोलो। अच्छी है। चलो ये तो अब सुबह पेपर होगा तभी पता चलेगा कि अच्छी है कि नहीं। तो चलें जी फिर मिलेंगे कल किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो ओके बाय रैनू। तो चलो जी बाय बाय कर दो। तो मेरा भी जी हाथ है, खुदा हाफिज़।